बावल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पत्नी को छोड़ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे एक शख्स की अंगुली को रेलकर्मी ने दांतों से काट दिया। उसका एक हाथ का अंगूठा बिल्कुल अलग होकर गिर गया। दरअसल पीड़ित शख्स ने अपनी स्कूटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दी थी। इससे गुस्साए रेल कर्मचारी ने पहले मारपीट की और फिर उसकी अंगुली को ही काट डाला। जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बावल में पड़ने वाले गांव खेड़ी डालू सिंह निवासी नेपाल सिंह अपनी पत्नी को स्कूटी पर बावल रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गया था। जल्दबाजी में उसने अपनी स्कूटी को स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चढ़ा दी। स्कूटी प्लेटफॉर्म पर चढ़ाने पर वहां मौजूद एक रेलवे कर्मचारी ने रोक लिया। वह अपनी स्कूटी वहीं खड़ी कर पत्नी के लिए टिकट लाने के लिए काउंटर की तरफ चल दिया। इस दौरान रेलवे कर्मचारी ने उनकी स्कूटी को चेन से बांधना शुरू कर दिया। रेलवे कर्मचारी को रोका तो गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। रेलवे कर्मचारी ने बाएं हाथ की एक अंगुली को दांतों से काट लिया। उनकी अंगुली कटकर वहीं गिर गई और वह लहूलुहान हो गया। आरोपी कर्मचारी वहां से भाग गया। पीड़ित की पत्नी ने स्कूटी पर उसे बावल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। सूचना के बाद जीआरपी ट्रॉमा पहुंची और नेपाल सिंह के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मैं कल करीब 1:40 पर मैं अपनी घरवाली को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया थी। वो अपने गांव जा रही थी, राजगढ़ स्टेशन लगता है उनका। तो मैं वहां लगभग 1:40-1:45 के आसपास वहां स्टेशन पर पहुंचा। गाड़ी आने का समय हो ही रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी स्कूटी आगे खड़ी करके टिकट ले आऊँ। तो मैंने थोड़ी सी स्कूटी आगे सरकाई थी, वो एक रेलवे कर्मचारी वो मिला। स्कूटी अलाउ नहीं, मैं भाई अलाउ नहीं है तो मेरे से गलती होगी, मेरा आना जाना भी नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं अपनी स्कूटी वापस ले जाता हूँ। तो उसने मैं वापस ले आने के लिए मैं जैसे ही मैंने स्कूटी मोड़ी तो उसने मेरे को वापस आने के जैसे आने लगा तो मेरे साथ उसने धक्का मुक्की शुरू कर दी। मैं नहीं जाने दूंगा वापस, ठीक है, और बिल्कुल अभद्रता पे आ। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लोगों ने छूटछाव करने की भी कोशिश करी। उसके बाद पता नहीं कैसे मेरी आंगली उसने अपने मुंह में लेके बिल्कुल आंगली के दो टुकड़े कर दिए, बिल्कुल दो टुकड़े कर दिए और मैं बिल्कुल लहूलुहान हो गया। उसके बाद फिर तो उसके बाद मैंने भी उसके एक दो थपोड़े मारे और फिर मेरी पत्नी मुझे स्कूटी पे बैठा कर मुझे सरकारी अस्पताल ले गई। फिर मुझे वहाँ से सरकारी अस्पताल से रेवाड़ी रेफर कर दिया, जो मैं आज छुट्टी लेके घर पहुँचा हूँ। और मेरा बिल्कुल शरीर का एक अंग है बिल्कुल भंग हो गया है बिल्कुल, और जो कि मेरे सारे सिग्नेचर जो भी सी आंगली से होते थे, ठीक है, अब ना तो सिग्नेचर डिफर होंगे, ठीक है। वो सारे काम जो मैं लिखाई पढ़ाई करता था मैं इससे करता था, अब मैं वो लिख पढ़ भी नहीं। FIR हमने उनके खिलाफ दर्ज करवा दी है और 323-326 का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जितेंद्र नाम पता है मुझे पता चला, बाकी एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या है, किस पोस्ट पे है, क्या है क्या नहीं है, बाकी मुझे नाम से पता चला उसका नाम जितेंद्र है। भाई मैं तो प्रशासन से यही अपील करूँगा, जो मेरे साथ हुआ है उसके लिए उसको सजा दिलाई जाए, आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। उसका काम था, अगर मैं गलत भी था तो वो आगे रिपोर्ट करा सकता था, मेरा कोई चालान बनता था वो कर सकता था, वो अपने कायदे में उसके नॉर्म्स के हिसाब से कर सकता था। उसका ये अधिकार थोड़ी ना वो मतलब लड़ाई झगड़ा करे। देखो इतनी नौबत आ गई, मेरे शरीर का बिल्कुल अंग ही अलग कर दिया उसने। इस तरह के तो मेरे हिसाब से कर्मचारी होने ही नहीं चाहिए। पता चला उसकी तो प्रवृत्ति ऐसी है, वो स्टेशन मास्टर ने मेरे को खुद बताया कि वो दिमाग से पैदल है, अपने पिताजी की जगह लगा हुआ है, उसको पता नहीं, बोलने का तरीका ही नहीं है, बस वो है। और उसका हम भी ट्रांसफर करवाएंगे, उसकी हम देख रहे हैं भाई रोज कोई ना कोई वो हरकत करता ही रहता है। स्टेशन मास्टर ने बताया मेरे को इस तरह की, यार वो पागल है।